Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Imagine what goes through the mind and the psyche of those who have to oversee these mass cremations. हमारे साथ अश्विनी जी हैं, MCD के या हेल्थ इंस्पेक्टर हैं. मैं यही सोच रही थी कि आपके दिल और दिमाग में क्या असर पड़ रहा होगा. मैम, बहुत बुरा असर है. सुबह 6 बजे से लेकर आपको 1:30 बजे 2 बजे तक हम लोग रहते हैं यहाँ पे, और डेली हम 100 के अराउंड फिगर पे क्रीमेशन करवा रहे हैं. दिल दुख रहा है, अकेली बॉडी आ रही है, एक सिंगल बंदा साथ में है कि मेरी माँ है, मेरी बीवी है या मेरी पति है, ये बस हम लोग अपने हाथों से क्रीमेशन करा रहे हैं. खुद ही कर रहे हैं आप? हमने खुद करे हैं. तो फैमिली मेम्बर्स अबैंडन कर रहे हैं कि आ नहीं रहे साथ में, कि क्या हो रहा है? अब एक लेडी आई है कि मेरा पति है, मैं अकेली हूँ, बाहर की आई हुई है, दिल्ली में ठहरी है, डेथ हो गई, अब क्या करें बेचारी. वो खुद हम लोग गए हैं साथ में, बॉडी लेके आए हैं उनकी, और जो भी क्रियाक्रम होते हैं अपने वो पूरे हमने करवाए हैं. एक बात बताओ, आपके मानसिक हालात पर भी तो असर पड़ रहा होगा. मैम, पर क्या करें, रात को नींद आती है? नहीं, दिल वही इमेजेस चलते रहते. बिल्कुल मैम, रात में भी है कि बस पता नहीं कोई वहाँ पे कैसे होगा. इवन मैं अपने घर जाने बाद में रात में 3 बजे 2:30 बजे गाड़ी आती है लकड़ी की, वो पूरी मेंटेन करनी पड़ती है हमें. हमारे जितने पंडित जी हैं वो रात में बॉडी को पूरी देखते हैं, कोई बॉडी बची तो नहीं है, पूरा क्रीमेशन करवाते हैं उनका हम. और एक तरफ रहा मेंटल हेल्थ, दूसरी तरफ हाथ पैर भी थक गए होंगे. मैम, दर्द है, छाले पड़ गए पैरों में हमारे. छाले पड़ गए हैं जी. मजबूरी क्या है कि हमने अभी बॉडी क्रीमेशन चालू करा, लेकिन करने के बाद में 4 से 5 घंटे लगते हैं उसको पूरा करवाने में. कहीं लकड़ी कम पड़ गई है, कहीं कोई चीज़ कम पड़ गई है, जितने भी पंडित जी हमारे साथ में हैं वो सब पूरा करवा रहे हैं. हम लोग 3-4 घंटे में उसको पूरा चेक करते हैं दोबारा से, और पूरा क्रीमेशन करने के बाद ही हम लोग करवाते हैं. सबसे ज़्यादा मुश्किल आपके लिए क्या पड़ रही है? मैम, मुश्किल पड़ रही है कि बॉडियाँ एकदम आ रही हैं, मेरे पे स्टाफ कम है, पंडित 4-5 हैं बेचारे, पर वो भी थके हुए हैं सारे, लकड़ी लाने वाले हैं, वो धीरे धीरे करके हम लोग फिर उसको मेंटेन कर रहे हैं. सामान की कमी हो रही है? नहीं, सामान की कोई कमी नहीं हमारे पास, स्टाफ की कमी है. स्टाफ में भी जो है वो है, बस अपना क्या करें. कितने घंटे काम कर रहे हो? मैम, कोई आइडिया नहीं है इसका. सो रहे हो रात को? मतलब सो तो नहीं रहे? नहीं, बस ये है कि बीच में कोई झपकी मारी किसी भाई ने अपने, ठीक है ना, यहीं रहे हो? यहीं पे हैं हम सब, घर नहीं जा रहे. नहीं. इंजेक्शन लग गया कि नहीं? वो लग गया दोनों. हाँ, चलो ये तो शुक्र है जी. क्या समझाना चाहेंगे लोगों को कि ये जो आपने कभी देखा है अपनी जिंदगी में? आज से देखा, केवल ये है कि भैया अपने घर में रहो, अवेयर रखो अपने आप को, जितना बच सके उतने बचो. मजबूरी है, काम करना पड़ेगा, लेकिन अवेयर रह के करो. ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. इट्स ग्रेट टू सी यू हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू वोजो स्टोरी एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट रोबस्ट जर्नलिज्म.